मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के बाद भाजपा एक्टिव हुई है। अब प्रदेश भाजपा के लिए केंद्रीय नेताओं के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। 27 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा प्रस्तावित है, वहीं 29 जून को जेपी नड्डा कोटा में सभा कर सकते हैं। तो चुनावी साल के लिहाज से शाह और नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक दौरा हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद पालावत फोनलाइन पर जुड़े हुए। अरविंद, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में जगह बनाता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार महंगाई राहत शिविरों के दौरे कर रहे हैं और प्रदेश के लगभग तमाम जिलों में पहुंचने की जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है और अधिकांश जिलों को उन्होंने कवर भी कर लिया है। ऐसे में कई बड़ी जो सभाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब कुछ ऐसा प्रयास कर रही है ताकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको वहां पर जोड़ा जाए, केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो वहां पर आकर के रूबरू हों। तो इसी कड़ी में अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका 27 जून को उदयपुर में एक दौरा प्रस्तावित है और उसके बाद में जेपी नड्डा कोटा में एक सभा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उदयपुर को इसलिए महत्वपूर्ण देखिए माना जाता है क्योंकि जो गुलाबचंद कटारिया है वो अब संवैधानिक पद पर आ चुके हैं। ऐसे में उदयपुर जो मेवाड़ और वागड़ का जो हिस्सा है वो वहां पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, तमाम जो 28 सीटें वहां पर हैं उन सीटों को किस तरह से अपने कब्जे में लिया जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि देखिए इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे यदि हम मेवाड़ की बात करते हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गुलाबचंद कटारिया संवैधानिक पोस्ट पे है, असम के राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में वे चुनाव में किसी तरह की भागीदारी है वो नहीं ले पाएंगे, अपने मताधिकार का जो प्रयोग है केवल वो वहां पर कर सकेंगे। तो ऐसे में उदयपुर शहर की जो सीट है वो यहाँ पर खाली है। साथ ही यदि हम राजसमंद की बात करते हैं तो किरण माहेश्वरी जो है उनका देहांत हो चुका है, तो ऐसे में इस बार की जो चुनाव है वहां पर दो जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव के अंदर नहीं होंगे, तो ऐसे में उनकी कमी को किस तरह से भरा जाए, उनकी जो प्रतिभा थी जिस तरीके से उन्होंने अपने वोट बैंक को साधा हुआ था मेवाड़ और वागड़ की जो वोट बैंक पे एक बड़ी जो मजबूती थी वो दोनों ही नेताओं की रही, तो ऐसे में इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, तो इसके लिए अमित शाह का ये दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है। तो इसके बाद में जिस तरीके से जो जेपी नड्डा है वो कोटा में सभा करेंगे, तो कोटा जो हाड़ौती अंचल है उसको छूने का जो एक प्रयास है वो इस सभा से होगा। वही अगले माह एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो सभा है वो यहाँ राजस्थान में हो सकती है, और जहां तक लगता है ये जो सभा है ये बीकानेर में होगी क्योंकि बीकानेर में जो नया कॉरिडोर बना है जिसको पिछले महीने जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस दौरे को, कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व तो अगर राजस्थान में डेरा डालेगा आप, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए मई की यदि हम बात करते हैं तो मई महीने में दो जो बड़ी जो रैलियां हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, दो बार वे राजस्थान आए और तीन बड़ी जो सभाएं हैं वो क्योंकि एक दिन में दो सभा की गई और एक दिन में अजमेर में एक सभा उन्होंने की, तो ऐसे में मई महीने में तीन सभाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो गई है। इसके बाद में आप लगातार चाहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें वो जगह जगह पहुंच रहे हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, 9 साल का जो कार्यकाल है उसका बखान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कुछ काम केंद्र सरकार की ओर से किए गए वो तमाम उन चीजों को लेकर के और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। साथ ही जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और अब राजस्थान में चुनावी साल है और माना जा सकता है कि अक्टूबर के आसपास जो आचार संहिता है वो यहाँ पर लग जाएगी, तो ऐसे में उससे पहले तमाम जो विकास कार्य हैं जो केंद्र की ओर से किए जा रहे हैं उन तमाम विकास कार्यों का जो शिलान्यास है या उनका उद्घाटन है वो यहाँ पर होगा। तो ऐसे में ये तय है कि केंद्रीय नेताओं के कई दौरे होंगे, जिस पर इससे मैं पहले बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो बीकानेर में हो सकता है क्योंकि बीकानेर में जिस कॉरिडोर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अवलोकन किया उसकी जो रिपोर्ट है वो वहां पर ली और उसके बाद में अब उस कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो यहाँ पर कोटपूतली से पंजाब की ओर तैयार हो चुका है, तो उसका भी जो उद्घाटन है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। तो कई ऐसे कार्यक्रम जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और लाखों की संख्या में जो जनसमूह है उसको वहां पर संबोधित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाजपा अब राजस्थान पे पूरी तरह फोकस कर रही है और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में अब डटने के लिए तैयार है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज सोनी जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर। पंकज जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं भाजपा का राजस्थान में डेरा डालना? देखिए भाजपा का जो केंद्रीय नेता है वो ये पहले से तय माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ेगी, वैसे वैसे भाजपा के केंद्रीय नेताओं का दौरा और
यहाँ आना जाना आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि प्रदेश के किसी नेता के चेहरे पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। भाजपा जो चुनाव लड़ेगी प्रदेश का भी, विधानसभा का भी, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ेगी जी। इसलिए जो भी चुनावी कमान रहेगी वो केंद्रीय जो नेता है उनके हाथ में देने वाली है जी। पंकज जी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से मैराथन दौरे कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के मेवाड़, वागड़ सभी जगह पर पहुंच रहे हैं, एक वन टू वन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खौफ कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह की परिस्थितियां भाजपा की रही। देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली भी और लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, तो बीजेपी उनकी तोड़ में किसी न किसी नेताओं के दौरे उन संभागों में आने वाले दिनों में करवाएगी जहां अशोक गहलोत ने जनसभाएं करी है, लोगों से संपर्क किया है। और जहां तक बात है अमित शाह के जो हाल फिलहाल दौरा, जो अमित शाह का 27 जून को उदयपुर संभाग में होने जा रहा है, वो दौरा प्रधानमंत्री के जो 8-9 साल का जो कार्यकाल है जी, उसको लेके जो बीजेपी ने एक देश भर में जो कैंपेन चलाया हुआ है उसके तहत उदयपुर लोकसभा सीट पे उनका ये दौरा है, और जो उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं उनके कार्यकर्ताओं को महासम्मेलन होने वाला है। वहीं दूसरा जो कोटा में जो जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका दौरा है वो पूरी तरीके से संगठनात्मक है, यानी वहां पर जो जेपी नड्डा आएंगे, अभी हालांकि कार्यक्रम पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है, प्रारंभिक चर्चा में अभी पूरी तरीके से जो नड्डा का पूरा शेड्यूल अभी बीजेपी प्रदेश बीजेपी को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम संगठनात्मक रहेगा, बूथ सम्मेलन होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी जी। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।